नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ आपको कुछ नई जानकारी दे सकें, कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें सिखा सकें। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आलोक इंडस्ट्री को लेके अगर मैं बात करूँ, कल से लेके आज तक में काफ़ी सारी न्यूज़ आई हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी तीन खबर जो आ रही है, जो लेटेस्ट अपडेट हैं, अगर कल से लेके मैं आज की सारी न्यूज़ को मिलाऊं और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, तो तीन जो मेन चीज़ है जिसपे हमारी नज़र होनी चाहिए वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। BSE और NSE की वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा, सारे आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अब कैसे आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर बनानी तो अभी है ही नहीं है, लेकिन हाँ, जिनको सेल ऑफ करना है वो कैसे सेल करें, टारगेट क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लेके आते हैं आपको आलोक इंडस्ट्री के बारे में। पहले मैं आपको आप स्क्रीन पे हमारे देख सकते हैं BSE की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। पहले थोड़ा सा हम आंकड़े की बात कर लेते हैं, आज हुआ क्या है। अगर मैं बात करूँ BSE की वेबसाइट पर आपको दिखाऊँ, तो अभी जो देख रहे हैं आप, मार्केट क्लोज हो चुका है और 31.60 रुपये पर दिखा रहा है क्लोजिंग प्राइस, और 4.96% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 5% की लगभग गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। अगर यही मैं बात करूँ प्रीवियस क्लोज की, तो कल 33 पे क्लोज हुआ था। आज ये इतना ज़्यादा टूटा इस वजह से क्योंकि अगर मैं बात करूँ इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो आने बाकी थे वो आ चुके हैं और कंपनी लॉस में है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, अगले एक या दो क्वार्टरली रिजल्ट की कुछ भी हो सकते हैं, किसी को भी नहीं पता है। अगर हम इस पे बेट कर रहे हैं कि PPE किट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, रिलायंस में चला गया, अंबानी सर के पास भरोसा होना चाहिए हमारा, लेकिन पहले ही क्वार्टरली रिजल्ट में चेंज हो जाए, ये चीज़ मैंने अपनी आलोक इंडस्ट्री की जब केस स्टडी आपको सामने करी थी तब भी मैंने बोली थी, बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, लेकिन अभी क्वार्टरली रिजल्ट में इनका पॉजिटिव दिखना चांसेस कम है, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 क्वार्टरली रिजल्ट इनके निगेटिव आए हैं। और वही चीज़ हुआ, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी एक दो क्वार्टर पहले हमें देखना होगा, इनके एक दो क्वार्टर के जो रिजल्ट आने हैं वो क्रूशियल होंगे, उसके हिसाब से हम आगे डिसाइड कर सकते हैं। बट लोगों ने बहुत जल्दी करी, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री भी एक तरह से येस बैंक के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर इसमें भाग रहे हैं, फंसने की कोशिश कर रहे हैं, और वही हो रहा है, इसी वजह से वो फंस भी रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं दिखाना चाहूँ, आज अभी BSE की वेबसाइट पे आपको दिखा रहा हूँ, बाइंग आपको दिख ही नहीं रही, अभी अपडेट भी नहीं हुई, हालांकि बाइंग बहुत ही कम है, या एक तरह से कह सकते हैं ख़त्म ही हो चुकी। और सेलिंग का प्रेशर आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 1,68,00,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर सेल पे लगा दिए गए हैं आज की, अगर मैं खाली बात करूँ BSE पे। और यही चीज़ मैं अगर आपको NSE की वेबसाइट पे भी लेके आता हूँ, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बाय क्वांटिटी में कुछ भी नहीं दिखा रहा है और सेल क्वांटिटी में 18,87,000 के करीब यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुके, यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा सेलिंग हुई है आज, इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और गिरावट सेलिंग होने का भी मेन रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने कोशिश क्या करी, रिटेल इन्वेस्टर ने भी पैसे लगाए, ऑपरेटर्स ने भी पैसे लगाए, और धीरे धीरे ये अपर सर्किट में क्लोज हुआ और अंत में क्वार्टरली रिजल्ट जैसे आया निगेटिव, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ गया, ज़बरदस्त सेलिंग हुई है आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कल परसों की, तो अभी और ये गिर सकता है आने वाले दिनों में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो अभी मार्केट के डेज बाकी हैं इस वीक के, और इसमें गिरावट ही देखने को मिलेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जल्दी से उन तीन न्यूज़ पे, क्या है सबसे बड़ी अपडेट जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही, उसमें से मैं एक क्वार्टरली रिजल्ट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप जब BSE की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर BSE की वेबसाइट पे मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी चीज़ें अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं, जब आप आते हैं आलोक इंडस्ट्री डालते हैं, आपको अनाउंसमेंट में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको PDF मिलेगी, यहाँ पर आप अनाउंसमेंट में देख सकते हैं 15 सितंबर और 16 सितंबर की यहाँ पर PDF मिल जाएंगी। इसमें से अगर मैं बात करूँ, आपको दिखाना चाहूँगा, एक PDF मैंने आपके सामने यहाँ पर ये खोल दिए, जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ जॉइंट कंट्रोल एंड रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, इसका अगर हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड होल्डिंग जॉइंटली 75% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैव एक्वायर्ड जॉइंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यानी कि इन दोनों कंपनियों ने जो 75% भी ज़्यादा जो कंपनी की अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे थे, अब इन्होंने अपने अंडर में सारे ऑपरेशंस भी ले लिए हैं और मिलके आगे इसको बढ़ाने वाले हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अब एकदम से पूरी तरह से इन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है
और एक पीडीएफ यहीं पर ही और मिल जाएगी बीएससी के वेबसाइट में, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और बड़े बड़े, अगर मैं बात करूँ, बोर्ड मेंबर्स के फेर बदल किए गए हैं। अगर आप उसमें भी देखेंगे तो जो लोग हटाए गए हैं, जो लोग का नाम आया है, उसके साथ साथ रीज़न, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ दी गई है। नए यहाँ पर पैनल भी बनाया गया। ये दो बड़ी खबर थी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके वजह से यहाँ आज गिरावट भी देखने को मिली है, उसका मेन रीज़न है कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो गया, जिस पे मैं आपको लेके जाता हूँ। आप खुद देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट का अगर जो आंकड़े की हम बात करें तो वो थोड़ा सा काफ़ी यहाँ पर चौंकाने वाले हैं। हालांकि इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपके सामने अनऑडिटेड रिजल्ट खोल रखे हैं। यहाँ पर अगर कंपनी की मैं दिखाना चाहूँ आपको, आप देखेंगे टोटल इनकम की अगर मैं बात करता हूँ, जो जून में हुई है, अभी इस क्वार्टर की 349 करोड़ की हुई है, जो कि अपने आप में अच्छी अर्निंग है हम कह सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने जो लॉस, यहाँ पर जो एक्सपेंस हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा, इस वजह से कंपनी लॉस में चली गई। अगर मैं बात करूँ, यहाँ टोटल एक्सपेंस आप देख सकते हैं 924 करोड़ दिखा रहा है, यानी कि 924 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है और इनकी प्रॉफिट कम है। रीज़न क्या है? इनके ऑपरेशन इतने ज़्यादा हैं, इन्होंने रीज़न दिया है, लॉकडाउन भी यहाँ पर रीज़न दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जो इनका जो अभी वर्किंग हो रही थी वो 30% एफिशिएंसी पे हो रही थी, इस पॉइंट को भी इंडिकेट किया गया। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, तो 574 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया जा रहा है। एक्सेप्शनल आइटम को अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, खाली इस वजह से क्योंकि इन्होंने अपने ऑपरेशन को कंट्रोल में नहीं कर पाए। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कंपनी को लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, अगर मैं पिछले क्वार्टर की भी कंपेयर कर रहा हूँ। और यही चीज़ मैंने अपने आपसे बोली थी जब मैंने इसका केस स्टडी करी थी आप लोगों से, कि जो लोग बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट येस बैंक की तरह इसमें बिन सोचे समझे हमें नहीं जाना है। जब तक हम फंडामेंटल नहीं समझते किसी भी कंपनी, हमें किसी में घुसना नहीं होता है। अब इसके साथ भी यही हुआ, मैंने इनके पीपीई किट बिजनेस को भी बताया था उस केस स्टडी में, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसी कंपनी है। अब अगर आपकी पोजीशन है, मैंने उस वक्त भी बोली थी हमें एक दो क्वार्टर के रिजल्ट देखना जरूरी होगा, अब यहाँ पर वही चीज़ होगी। अब जिन्होंने एग्जिट का ऑर्डर लगा दिया, जिनके बहुत बड़े अमाउंट फंसे हुए हैं, उन्हें तो एग्जिट करना ही होगा अगर आधे अमाउंट का करना चाहते हैं। बाकी लोगों से मैं कहूँगा आप होल्ड करके रखें, अभी कुछ समय तक यहाँ पर ना निकलें। और जब बहुत ज़्यादा आपको लगता है, आप अगर आप पैनिक हो रहे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, तभी आप एग्जिट करें, वरना आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रोकिए, क्योंकि आपका पैसा तो एक तरह से फंस ही चुका है। और नई होल्डिंग के लिए अभी बिल्कुल भी इस शेयर में आपके लिए सही समय नहीं होगा।